तो गाइस स्वागत है आप सबका नए व्लॉग में। तो अभी मैं जा रहा हूँ गौतम को लेने। तो कल रात गौतम ने मुझे कॉल करके बताया कि वो मुंबई से गोवा आ रहा है 2 दिन के लिए। तो अभी मैं 2 दिन गोवा गौतम के साथ एक्सप्लोर करूँगा और फिर मैं चला जाऊँगा साउथ गोवा। अभी मैं जा रहा हूँ थिवीम रेलवे स्टेशन गौतम को पिक करने के लिए। अरे ब्रो, और भाई कैसा है? बढ़िया, चलो जाते। अभी मेरी नज़र पड़ी इस चर्च पे जो कि थिवीम रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में है। और चर्च को देख के तो ऐसा लग रहा है अभी रिसेंटली इस चर्च को कलर किया है। और भाई मानना पड़ेगा चर्च तो सही दिख रहा है एकदम। सो गाइज अभी हमें काफ़ी भूख लगी है तो पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे और फिर हम जाएंगे हॉस्टल में। और गाइज अभी हमें सैलीगांव में, तो चलो होटल सम्राट में जाके फेमस गोन ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं आज। तो भाई पिछले बार मैं जब गोवा आया था तो उस टाइम मैंने रॉस ऑमलेट खाया था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो चलो आज भी हम वही खाएंगे। सो गाइज अभी हमने पेट भर के ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं हॉस्टल में। तो हॉस्टल जाने के बाद गौतम को थोड़ी देर आराम करना है और फिर हम निकलेंगे घूमने के लिए। सो गाइज अभी बजे दोपहर के 3:30 और आज हम कान्हा रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। तो भाई यहाँ पे गौतम ने ऑर्डर किया है पनीर तूफानी और बटर नान, तो चलो मैं अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि खाना कैसा है। तो भाई अभी हमने जस्ट यहाँ पे खाना खा लिया है और अभी हम जा रहे बागा बीच। और भाई फूड की टेस्ट तो अच्छी थी, मतलब जैसा हर जगह मिलता है वैसा ही था। अभी हम जा रहे बागा बीच पे अपने गौतम भाई के डिमांड पे। बाय द वे पता नहीं यार, जो भी गोवा पहली बार आता है उसे बागा बीच ही क्यों देखना होता है हमेशा। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको इस सीरीज में की 14वीं जगह दिखा देता हूँ जो है बागा बीच। तो भाई अभी हम आ गए बागा बीच पे और भाई ये बीच इतना क्राउडेड है क्या ही बताओ आपको। अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई बीच कैसा है। ये देखो गाइस, इधर आने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मार्केट में ही आ गया हूँ। मार्केट में जैसे भीड़ की वजह से कचकच होती है ना, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो भाई देख लो भाई कितनी भीड़ है ये बीच पे, बागा बीच पे। ऐसा लग रहा है पूरी गोवा की पब्लिक बागा बीच पे आ गई है। और गाइस सच बता रहा हूँ, लोगों ने इस बीच पे हर जगह कचरा करके रखा है। मैं तो कहता हूँ इस बीच को बागा बीच नहीं कचरा बीच बोलना चाहिए। ये देखो भाई इस बीच पे आपको सिगरेट रैपर प्लास्टिक और जो भी गार्बेज आइटम है सब कुछ पड़ा हुआ मिलेगा यहाँ पे। एंड गाइस इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी बागा बीच आऊँगा। तो भाई अभी हम बीच से निकल गए और अभी हम जा रहे हैं मार्केट क्योंकि गौतम को थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो गाइस आज हम गए थे बागा बीच और भाई बीच घूमने के बाद हमने थोड़ी शॉपिंग की और फिर हम हॉस्टल में आके सो गए थे क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी और गौतम को भी सिर में दर्द हो रहा था, तो हमने एक पावर नैप लिया। और भाई अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो अभी हमारा प्लान है उलाला जाने का, तो काफ़ी सुना है उलाला रेस्टोरेंट के बारे में, तो चलो चल के आज देखते हैं कि वहाँ का वाइब कैसा है और खाना कैसा है। तो भाई आपको बता दूँ उलाला कैंडोलिम से 7 किलोमीटर दूर और इसका लोकेशन है आरपोरा में। सो गाइस यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि रेस्टोरेंट कम्प्लीटली फुल है और यहाँ पे स्टैग एंट्री है 5,000 रुपये। और भाई 5,000 रुपये पर पर्सन देने का तो कोई सेंस बनता नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल में और गौतम अभी जोमेटो से फ्राइड राइस ऑर्डर करने वाला है। अभी हम हॉस्टल में जाके फ्राइड राइस खा लेंगे और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।